एक बार फिर से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश यादव पर वार करने की शुरुआत कर दी है। आजमगढ़ संसदीय सीट से सपा के प्रमुख अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर बीजेपी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को उम्मीदवार बनाने के संकेत देना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि बीते कुछ दिनों से निरहुआ लगातार जिले का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी नेता निरहुआ हाल ही में आजमगढ़ पहुंचे, मीडिया के साथ उन्होंने बातचीत की और इस बातचीत में अखिलेश यादव के परिवार के लोगों के हृदय परिवर्तन पर निशाना साधा। निरहुआ ने अखिलेश यादव पर बरसते हुए कहा कि वो अपने भाई भाभी को तो संभाल नहीं पाए, पूरे प्रदेश को क्या संभालेंगे। अखिलेश को तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला नेता कहते हुए निरहुआ ने कहा, सपा की विचारधारा जातिवाद की है। ऐसे में सपा प्रमुख का कहना बिल्कुल सही है कि बीजेपी वाले कभी भी सपाई नहीं हो सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोगों के जहन में विचारधारा बिल्कुल अलग है। आपको बता दें, निरहुआ ने साफ तौर पर सपा प्रमुख की सोच और विचारधारा को गलत बताया और इसके साथ ही कहा, सपा वाले जब विपक्ष में बैठकर विरोध करते हैं तो वो समझ ही नहीं पाते कि उन्हें किस मुद्दे पर विरोध करना चाहिए और किस बात पर। जिस पार्टी को नेताजी और शिवपाल ने खड़ा किया, उसकी बागडोर जब अखिलेश यादव के हाथ में गई तो अखिलेश ने खुद को सर्वे सर्वा समझ लिया। अब अखिलेश की समझ में आ गया है कि उनके बस का कुछ भी नहीं है। इसके बाद अखिलेश यादव के परिवार की बहुओं पर एक बड़ी टिप्पणी करते हुए निरहुआ ने साफ तौर से कह दिया कि अखिलेश यादव से उनका परिवार नहीं संभल रहा है। निरहुआ बोले कि अखिलेश यादव से उनके परिवार की बहुएं नहीं संभल रही हैं, अखिलेश यादव से उनकी भाभी और भाई भी नहीं संभल रहे हैं, और जब ये सब नहीं संभले तो भला अखिलेश राज्य को क्या संभालेंगे। आपको बता दें, निरहुआ के इस बयान के बाद यूपी में सियासी सरगर्मियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं।